Hi, welcome to our channel Acquire Knowledge. Friends, today we are discuss about of phases of nursing process. आज हम लोग बात करेंगे nursing implementation में nursing process के nursing implementation step के बारे में जानेंगे. And इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने जाना था nursing planning के बारे में. And उससे पहले जाना था nursing diagnosis and then nursing असेसमेंट के बारे में जाना था. सो आप अगर नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन से पहले के आपने वीडियोस ना देखे हों नर्सिंग प्रोसेस के जो 3 स्टेप्स होते हैं असेसमेंट डायग्नोसिस एंड प्लानिंग इससे पहले के, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं. सो आज स्टार्ट करते हैं नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन. फ्रेंड्स, व्हाट इज़ अ नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन? जो फ्रेंड्स, जब इम्प्लीमेंटेशन कब किया जाता है, जब असेसमेंट कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन जो प्रॉब्लम होती है, जो डिसीज़ होती है वो उसका आइडेंटिफाई हो जाता है, डायग्नोसिस स्टेप कंप्लीट हो जाता है एंड देन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो प्लान तैयार करते हैं, मींस प्लानिंग स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है, देन हमें इम्प्लीमेंटेशन करना होता है. यानी कि जो हमने प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो प्लान बनाया है उसे एक्शन में लाना होता है. सो दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन. सो जानते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इज़ द प्रोसेस. इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या, जो प्लान करके हम लोगों ने रखा होता है उसे एक्शन में लाना होता है. इम्प्लीमेंटेशन रिफर्स टू एक्शन फेज. ये इम्प्लीमेंटेशन के एक्शन फेज में रिफ़र करते हैं नर्सिंग प्रोसेस के, जो कि नर्सिंग केयर देने के लिए प्रोवाइड किया जाता है. अब देखते हैं फ्रेंड्स, पर्पस ऑफ नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन. सो नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन का उद्देश्य क्या होता है? टू प्रोवाइड टेक्निकल नर्सिंग केयर. टेक्निकल नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए एंड थेरापूटिक नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए एंड ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ. क्लाइंट को ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ अचीव करने के लिए, करने में मदद करता है. एक्टिविटीज़ मीन्स इम्प्लीमेंटेशन में, यानी कि जो हम लोगों ने प्लान बना के रखा है, जो नर्स होती है, जो भी क्लाइंट को डिसीज़ है उसको ठीक करने के लिए जो प्लान बना के रखा है, तो उसे एक्शन में लाने के लिए एक नर्स, अदर नर्स क्या एक्टिविटी करेगी. तो एज अ नर्स जो एक्टिविटीज़ करती हैं उनके बारे में जानते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रीअसेसमेंट करते हैं नर्स. सेकेंड इज़ सेटिंग प्रायोरिटी देखते हैं. थर्ड इज़ ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज देखते हैं. फोर्थ इज़ परफॉर्मिंग नर्सिंग इंटरवेंशन एंड फिफ्थ इज़ रिकॉर्डिंग नर्सिंग. सो इन 5 एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं. रीअसेसमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? रीअसेसमेंट यानी कि जो नर्सेस का एक्टिविटी है रीअसेसमेंट, इसमें क्या होता है? व्हेन एवर नर्स मीट क्लाइंट. जब एक नर्स होती है, जब क्लाइंट से मिलती है, सी विल असेस द प्रेजेंट कंडीशन. तो नर्स होती है वो जो क्लाइंट है उसकी प्रेजेंट कंडीशन को देखती है, यानी कि प्रेजेंटली उसकी कंडीशन क्या है. एज अ क्लाइंट उसकी कंडीशन क्या है प्रेजेंट टाइम में, वो असेस करती है. विच में चेंज क्विकली, जो कि क्विकली जल्दी जल्दी चेंज होती रहती हैं. तब हम करते हैं रीअसेसमेंट. नेक्स्ट देखते हैं सेटिंग प्रायोरिटी. रीअसेसमेंट करने के बाद हमें सेटिंग प्रायोरिटी, यानी कि जो भी जिस डिसीज़ को, यानी कि जो कंडीशन सीवियर है उसको हमें पहले प्रायोरिटी देनी होती है, यानी कि उसको हमें पहले केयर देनी होती है. सो सेकेंड जो एक्टिविटी होती है नर्स की वो होती है सेटिंग प्रायोरिटी. सो इसमें क्या होता है? एज क्लाइंट्स नीड चेंज क्विकली, यानी कि जैसे कि जो क्लाइंट होता है उसकी जो ज़रूरतें होती हैं वो क्विकली चेंज होती रहती हैं, जल्दी जल्दी चेंज होती रहती हैं, वैसे ही प्रायोरिटीज़ जो होती हैं वो आल्सो चेंज, मे आल्सो चेंज, वो भी चेंज होती रहती हैं. सो प्रायोरिटी शुड बी सेट बेस्ड ऑन द रीअसेसमेंट. जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो सेट की जाती हैं रीअसेसमेंट के बेस पे. नर्स रैंक्स द नर्सिंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स. जो नर्सेस होती हैं वो नर्सिंग प्रॉब्लम्स को फॉलोइंग फैक्टर्स से देखते हैं, जैसे कि क्लाइंट कंडीशन क्या है. न्यू इन्फॉर्मेशंस गेट करती हैं रीअसेसमेंट करने से. एंड टाइम एंड रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं, टाइम एंड रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं उनको देखना होता है. एंड फीडबैक देखना होता है क्लाइंट का एंड फैमिली का. और इसमें सेटिंग प्रायोरिटी में नर्सेस का नॉलेज और एक्सपीरियंस भी इन्वॉल्व होता है.
नेक्स्ट जो हमारी थर्ड जो नेक्स्ट की एक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, यानी कि जो भी रिसोर्सेज है उनको ऑर्गेनाइज करना। सो इसमें क्या है, मींस री अरेंजमेंट, मींस अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स जो भी पर्सनल है उनको अरेंजमेंट करना होता है, ताकि हम जो प्रायरिंग बेस्ट केयर नर्सिंग केयर था कि जो क्लाइंट है उसको बेस्ट नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जा सके, इसलिए इक्विपमेंट्स को अरेंज करना होता है। सेकेंड इज प्रिपरेशन ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट को प्रिपेयर करना होता है, एंड क्लाइंट के लिए जो इन्वायरमेंट है इम्पॉर्टेंट, जो अच्छा इन्वायरमेंट प्रिपेयर करना होता है क्लाइंट को केयर देने के लिए। सो फोर्थ इज परफॉर्मिंग नर्सिंग इंटरवेंशन, परफॉर्मिंग नर्सिंग इंटरवेंशन ये भी एक नर्स की एक्टिविटी होती है। इसमें क्या होता है, नर्सिंग इंटरवेंशन आर दोज एक्टिविटी, नर्सिंग इंटरवेंशन वो एक्टिविटीज़ होती हैं विच आर परफॉर्म बाय द नर्स, जो कि नर्स के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं क्लाइंट को इलनेस से प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि बीमारी से बचाने के लिए, और जो डिसीज़ है उससे और ज़्यादा होने वाले कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए, और हेल्थ को प्रमोट करने के लिए या हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो एक्टिविटी होती है दैट इज़ कॉल्ड परफॉर्मिंग नर्सिंग इंटरवेंशन। एंड लास्ट हमारा रिकॉर्डिंग, यानी कि एक अदर नर्स रिकॉर्डिंग एक्टिविटी करती है, यानी कि जो भी केयर दी है क्लाइंट को, जो भी केयर दी है क्लाइंट को, कब दी है, किस टाइम दी है एंड क्या दिया है, वो सब हमें डिटेल वाइज लिखना होता है। सो दे आर रिकॉर्डिंग इन द क्लाइंट हेल्थ रिकॉर्ड, क्या होता है क्लाइंट के हेल्थ के रिकॉर्ड को हमें लिखना होता है एज अ नर्स। रिकॉर्डिंग द नर्सिंग केयर एक्टिविटी, एंड जो भी नर्सिंग केयर दी है, जो भी एक्टिविटी की है, जो भी डिसीज़ है उसको ठीक करने के लिए जो एक्टिविटी हुई है, जो हम लोगों ने केयर दी है, उसको रिकॉर्ड करना है। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट होता है सभी हेल्थ केयर्स का। एंड थर्ड पॉइंट, राइटिंग द टाइम एंड डिटेल्स ऑफ इंटरवेंशन, जब भी केयर दी है उस किस टाइम केयर दी है एंड क्या केयर में हम लोगों ने क्या दिया है, सो टाइम और पूरी डिटेल्स को हमें फिल करना होता है, राइट करना होता है प्रोसीजर के कंप्लीट करने के बाद। सो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। सो आई होप आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।